नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन क्लास सुबह जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, UGC नेट के प्रथम प्रश्न संबंधित कोई भी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप उससे संबंधित जो भी हो आप उससे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको उससे बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैं आपको एक वीडियो में अभी नहीं दे पाया था, आज मैं दूसरे दिन मैं आज देने जा रहा हूँ आपको, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको मैंने एक वीडियो नहीं दे पाया कल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो इस वीडियो में है, और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आज जो मॉर्निंग क्लास में था, मॉर्निंग क्लास में जो हमारी जूम ऐप क्लास थी उसमें हम लोगों ने सोशल चेंज स्टार्ट कर दिया है, राइट। सोशल चेंज स्टार्ट कर दिया है और सोशल चेंज में हम लोगों ने सोशल चेंज में जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आदि के संबंध में हम लोगों ने उसमें चर्चा की है, ठीक है। इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्थिरीकरण से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और सामाजिक परिवर्तन संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चुनाव करिए। निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से सही जो कथन है उनका चुनाव करिए, राइट। जो सही स्टेटमेंट है उनका चुनाव करिए। पहला इसमें कथन कौन सा है? पहला कथन है इसमें, मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए विभेद किया। मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग संघर्ष के बीच अंतर किया। दूसरा कथन है मार्क्स ने वर्ग तथा प्रेसिस समूह में विभेद किया। मार्क्स ने वर्ग तथा प्रस्थिति समूह में विभेद किया। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इसमें, मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा में विभेद किया। मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा में विभेद किया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, मार्क्स ने उत्पादकता से संबंध तथा उत्पादन के साधन में विभेद किया। अब देखिए यहां पे कोड देख लीजिए, आप कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, आप इसमें से चुनाव करना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड बी ऑप्शन इज 1, 3, 4 एंड सी ऑप्शन इज 1, 2, 4 एंड डी ऑप्शन इज 2, 3, 4 देखिए यहां पर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशली हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं, जैसा कि आपको पता है कार्ल मार्क्स के संबंध में ही हमने कुछ स्टेटमेंट दिया है,
और उस स्टेटमेंट में आपको देखना है कि किसके संबंध में मार्क्स ने बात किया है। तो आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो वर्ग निहित और वर्ग संघर्ष के संबंध में अंतर किया, ये बिल्कुल राइट है, मैक्सिमम लोगों को पता है इसके संबंध में। वर्ग संघर्ष यहाँ पर इन्होंने वर्ग संघर्ष को समझाने के लिए यहाँ पर स्पेशली पूंजीवादी समाज जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसके संबंध में इन्होंने वर्ग संघर्ष को समझाया। और वर्ग संघर्ष किसके संबंध किसके किसके बीच में होता था, पूंजीपति और उसके अगेंस्ट में जो सर्वहारा होता था उसके बीच में वर्ग संघर्ष की उन्होंने बात की थी। और किस संबंध में बताया था, ये जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है ये संपत्ति जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी की संचय से क्या होती है उत्पन्न होती है। एक तरफ जो है पूंजीपति जिसके पास संपत्ति का संचय होता है और दूसरी साइड में जो सर्वहारा है जो सब कुछ हारा है, राइट, यानी जिसके पास संपत्ति की क्या होती है वंचना होती है और वंचना से उसमें क्या होगी, उसमें ऐसी भावना उत्पन्न होगी, सामूहिक चेतना उत्पन्न होगी और सामूहिक चेतना से वो क्या करेगा संघर्ष उत्पन्न करेगा, ठीक है। वर्ग तो यही जो वर्ग आधारित जो दो वर्गों के बीच में होने वाला संघर्ष है इसी को समझाने के लिए उन्होंने वर्ग संघर्ष की उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत की। आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने वर्ग तथा प्रस्तुति समूह की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा वर्ग ये जो स्टेटस ग्रुप है इसके संबंध में मैक्स वेबर, राइट, कौन मैक्स वेबर ने बात की है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा के विविध बीच में भेद किया, अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूंजीवादी समाज के संदर्भ में दो प्रकार के वर्गों को बताया, पहला वर्ग पूंजीपति है दूसरा सर्वहारा। नेक्स्ट है, मार्क्स ने उत्पादकता के संबंध में और उत्पादन के साधन के संबंध में भेद किया, तो आपका आंसर ये भी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, 3 और 4, तो ऑप्शन कहाँ है 1, 3, 4, बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर टू है इससे ही संबंधित। आइए अब हम लोग यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन में पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में शामिल किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में शामिल किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव, राइट, परिमाणात्मक परिवर्तन। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन और सी है दोनों और डी है कोई। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन, पहले बात तो सामाजिक परिवर्तन होता क्या है ये आपको पहले जान लेना चाहिए। देखिए सामाजिक परिवर्तन जैसा कि आपको पता है कि ये कहेंगे कि आप बोल सकते हो कि समाज में जो भी होने वाला परिवर्तन है किसी भी प्रकार का, चाहे वो गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो, संख्या के रूप में हो या विशेषताओं के आधार पर जो परिवर्तन हो, ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। एक चीज मैं आपको इसके संबंध में और भी बताना चाहूंगा, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार के, जैसा कि मैं जस्ट अभी बताया हूँ कार्ल मार्क्स के संबंध में, कार्ल मार्क्स जैसा कि बताते हैं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, तो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में उन्होंने क्या कहा है कि समाज में प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, दो या दो से अधिक जो वस्तु होती है वस्तु में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, और वर्ग संघर्ष उत्पन्न होने से क्या होगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा, और द्वंद्व से क्या होगा, समाज परिवर्तित होगा। इस प्रकार परिवर्तन का कारण कार्ल मार्क्स ने वर्ग को या सॉरी आर्थिक कारण माना है, राइट, इस तरीके से। तो समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो। इसी को हम समझने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को भी हम समझ सकते हैं, जैसा कि मैं कुछ प्रक्रियाओं का नाम लेता हूं, जैसे उद्विकास। अभी देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको वहां पे सब सारी चीज समझाऊंगा, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे नाम काउंट करा देता हूँ। उद्विकास, इसके साथ विकास, प्रगति, क्रांति, सुधार, सामाजिक प्रसार, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है, विकास आदि, ये सब सारी चीज क्या है, ये सब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, यानी इसके अंतर्गत परिवर्तन का किस प्रकार स्वरूप है ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा
दोनों यानी ए और बी दोनों आंसर इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सामाजिक परिवर्तन की किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में प्रस्तुत किया।